हेलो एवरीवन, आज की रेमेडी में मैं आपको कोई मास्क या कोई डाई नहीं बताऊंगी। आज मैं आपके लिए एक हेयर ऑयल लाई हूँ जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। जिन लोगों के बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए अब इसके लिए जो मैंने आज सामान इस्तेमाल किया वो है काले तिल। काले तिल बालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि इतने इफेक्टिव होते हैं। अब ये बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छे काम आते हैं। और बालों को काला तो करते ही, साथ साथ बालों की ग्रोथ को भी बहुत अच्छा करते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा थिक करते हैं। इसलिए तो आज की रेमेडी में मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो है काले तिल। दूसरा इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें नागकेसर। नागकेसर आपको ये मार्केट में झंडू वाली दुकानों पे, जहाँ भी आपको जड़ी बूटियाँ मिलती हैं उनकी दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये नागकेसर का पाउडर है जो मैंने घर में ही बनाया है इसलिए। और ये नागकेसर भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों को काला करता है, बालों को घना करता है, बालों को बहुत ज़्यादा थिक करता है। बाल जितने झड़ रहे हैं ना, उसकी समस्या के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें इस्तेमाल करूँगी मैं थोड़ी सी हिना। और दूसरा इसमें मैंने इस्तेमाल किया है कड़ी पत्ते का पाउडर। कड़ी पत्ते का पाउडर मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि कड़ी पत्ते में इतना ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और हिना, हिना से आपके बालों को क्या कलर मिलेगा, और दूसरा हिना भी बालों को झड़ने से बचाने के लिए बहुत काम आती है, बालों को मॉइस्चराइज करती है। और आपके बाल अगर फिजी हो गए तो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, ये आपकी बहुत प्रॉब्लम में काम करेगा। इसलिए इसमें मैंने कड़ी पत्ता और हिना भी डाला है। चौथा इसमें मैंने डाला है भृंगराज पाउडर। ये भृंगराज पाउडर भी आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा। भृंगराज पाउडर भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को झड़ने से बचाता है, दूसरा बालों को काला भी करता है, बालों को लंबा करता है, घना भी करता है। इसलिए भृंगराज पाउडर भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपको तिल के बारे में। ये देखिए, मैंने तिल को पहले से पीस कर मैंने ये पतंजलि के जो पीनट ऑयल होता है उसमें मैंने डाल के रखा हुआ है। ये मैंने आज सुबह ही मैंने इसे डाल के रखा है दिखाने के लिए। मैंने कहा दिखाती हूँ कि इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा होता है। अब तिल बालों को काला करने में इसलिए काम आते हैं क्योंकि आप जब इसे तिल को थोड़ा सा आप दरदरा पीसेंगे, उसके बाद आपको इसके को ऑयल में डालना है। जब आप इसे ऑयल में डाल के रखेंगे धूप में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा है। बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। इसलिए अब मैंने ये हाफ बॉटल के करीब मैंने इसमें पीनट ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून जो मैंने काले तिल थे उनको अच्छे से दरदरा पीसा। पीसने के बाद मैंने इस ऑयल में डाल के रखा हुआ था। अब मैं बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें मिलाऊंगी। इसलिए अब मैं इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, मैंने पहले से बना के इस्तेमाल करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ तो हो सकता है आपको भी इफेक्टिव लगे, आपको भी अच्छा लगे। इसलिए अब मैं इसमें बाकी सामान डालूँगी। इसमें मैंने, अब मैं पहले शुरू से बता देती हूँ आपको मैंने क्या सामान इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने हाफ बॉटल ये मैंने पीनट ऑयल लिया है पतंजलि का। अगर आपके पास पतंजलि का पीनट ऑयल नहीं है तो आप इसके साथ सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके साथ कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको कैस्टर ऑयल भी नहीं मिलता है तो आप इसके लिए नॉर्मल जो तिल का तेल आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप ये मत सोचिएगा कि आपने काले तिल लिया है तो आप वाइट तिल का तेल होता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके पास ऑयल इस्तेमाल हो, अगर कोई भी नहीं है तो सिंपल आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि वो जितनी भी चीज़ें हैं सब ऑयल में अपने आप नेचुरली अपना इफेक्ट दिखाएंगी, जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए अब मैंने इसमें हाफ बॉटल ये ऑयल लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने ये काले तिल लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छे से पीसा है। पीसने के बाद मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। अब इसमें मैं ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें भृंगराज पाउडर डालूंगी और 1/2 टीस्पून ही मैं कड़ी पत्ते का पाउडर डालूंगी इसमें, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें हिना डालूंगी, और 1/2 टीस्पून इसमें मैं नागकेसर डालूंगी। अभी इन सबको क्या करना है, बहुत अच्छे से मिलाना है इसको। क्योंकि जब पाउडर वाली चीज़ आप ऑयल में डालेंगे तो वो क्या है फिर थोड़ा लम्स बन जाएंगे उसके, आपको अच्छे से इसे फेंटना है। फेंटने के बाद आपने जितनी भी इसमें चीज़ इस्तेमाल की है, पाउडर इस्तेमाल किया है या फिर आपने तिल इस्तेमाल किया है, वो क्या है सब नीचे ऑयल में बैठ जाएंगे। तो इसलिए फिर तो जब आप इसे तेल को बनाकर तैयार कर लेंगे तो वो नेचुरली बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्योंकि उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है। इसलिए आपको इसे अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद आपको इस बॉटल को अच्छे से एयर टाइट बंद करने के बाद, अच्छे से आपको एयर टाइट बिल्कुल बंद करनी है, इसमें बिल्कुल हवा पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसे आपको धूप में रखना है 6 से 7 दिन तक। जब आप इसे 6 से 7 दिन तक आपको उसको धूप में रखेंगे, अब रखने के बाद आपको इसे 1-2 दिन तक नॉर्मली जैसे आप रूम टेम्परेचर पे आपको इसे धूप से उठाकर आपको
रूम टेम्परेचर पे रखना है। उसके बाद 1 से 2 दिन तक आपको इसे शेड में रूम टेम्परेचर पे रखना है। जब आप ये इसे उसके बाद जब आप 1 से 2 दिन आप जब अंदर रखने के बाद आप इसे खोलेंगे ऑयल को, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे स्ट्रेनर से छानना है दूसरी बॉटल में। स्ट्रेनर से छानने के बाद आप इसे दूसरी बॉटल में अप्लाई कर दीजिएगा। तब आप इसे क्या करना है, आपको फिर लगाने का तरीका मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अगर आप हो सके तो आप इसे होल नाइट बालों में लगाइए, पूरी स्कैल्प से लेकर पूरे नीचे तक के बालों में अच्छे से मसाज करके इसे होल नाइट पूरा छोड़ दीजिए बालों में। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आप शैम्पू करेंगे तो आप देखेंगे आपके बालों में एक बार में ही आपके बालों का टूटना और जितना फिजीनेस है सब बंद हो जाएगा। दूसरा, जब अगर आपको बाल काले करने हैं उसके लिए आपको क्या करना है, हफ्ते में 1 से 2 बार तो इसे ज़रूर अप्लाई करना है, होल नाइट आपको इसे बालों में छोड़ना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार लगाइए। अगर आपके बाल नॉर्मली इक्का दुक्का बाल हैं तो आप उसे हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और होल नाइट आपको उसे बालों में अच्छे से छोड़ना है, क्योंकि इसका जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी ताकत है, आपके पूरी सारी बालों में निकल जाएगी इसकी, इसलिए। और आपके बालों में बहुत इफेक्ट दिखाएगा, बालों को धीरे धीरे आपके बालों का कलर भी चेंज होएगा, क्योंकि इसमें मैंने हिना डाली है, भ्रंगराज डाला है और जितना नागर मोथा और कड़ी पत्ता डाला है सबका कलर इसमें बहुत अच्छा आएगा तेल में, और आपके धीरे धीरे आपके बालों का कलर भी चेंज हो जाएगा। और जो वाइट बाल हो रहे हैं वो भी आपके धीरे धीरे बंद हो जाएंगे होने, जो जड़ से निकल रहे हैं वो तो आने बंद ही हो जाएंगे, और जो हैं अभी वो थोड़े थोड़े कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब इसे अप्लाई कीजिएगा आप अपने बालों में, और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।